Hi there, KP fam. Welcome back to my channel, guys. आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 लिपस्टिक शेड्स शेयर करने वाली हूँ एंड कुछ ऐसी लिपस्टिक जो समर के लिए परफेक्ट होने वाली हैं, जो बहुत ही ज्यादा लिप्स के ऊपर कंफर्टेबल है एंड क्योंकि समर आ गया है, वी ऑल नीड दोज अमेजिंग समरी कलर्स. सो वीडियो का अंत तक जरूर देखना. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग. So guys, the very first lipstick I have here is this one. This is from the brand Lenfort. अगर आप लोगों को याद है, आपने मेरी previous lipstick videos देखी होंगी, you guys know मैंने ना liquid lipstick try करी थी Lenfort की. I totally loved it and I really wanted to try a bullet one too. तो इस बार मैंने यहाँ पे bullet lipstick try करी है. Packing बहुत ही ज्यादा अच्छी है. This is the Lenfort velvet lipstick. यहाँ पे आपको 4 ग्राम की quantity मिल जाती है. I totally love it. This is how you open it up and just take a And this is how the inner packaging looks like. यहाँ पे इस तरीके का foam है and then middle में आपको यहाँ पे lipstick मिल जाती है. It literally looks like a bullet. बहुत ही cute lipstick packaging है. यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हो, this is how you open it up and there is your product. So इस बार जो मैंने यहाँ पे shade buy किया है ना, that is 14. आपको शेड का नेम ऑब्वियसली स्क्रीन पर दिख रहा होगा. एट द सेम टाइम जो लिंक नीचे है ना, उसमें भी आपको शेड के साथ ही मिलेगा. Let me just show you hand swatches first and साथ के साथ आपको lip swatches भी दिखते जाएंगे. This is how the shade 14 looks like. A very beautiful peachy sort of color. जो lip swatches है ना, वो आपको natural light में यहाँ पे add करके दिखाऊंगी. So यहाँ पे ना, although आपको एक warm undertone मिल जाता है, but ये वाला जो color है ना, ये I think fair to medium skin tone को ज्यादा suit कर पाएगा. अगर आपका dark या dusky skin tone है तो maybe आपको थोड़ा सा wash out कर सकता है, but जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अगर आपने गलती से परचेज कर लिया है ऐसा कोई शेड जो आपको वॉश आउट कर रहा है, मेक श्योर की आप एक 2-3 शेड डार्कर लिप लाइनर या फिर 1 शेड डार्कर लिप लाइनर यूज कर रहे हो एंड देन अगर आप वो न्यू लिपस्टिक यूज करते हो तो वो आपका एक मैचिंग अच्छा सा कलर आपको बन जाता है. द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक, इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स. बहुत ही क्रीमी है, एज इट सेज वेलवेट लिपस्टिक. आप देख सकते हो मैट जो है ना, एकदम मैट फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन जब आप इसको एप्लीकेशन कर रहे होते हो ना, इट्स वेरी स्मूथ, इट्स वेरी क्रीमी, वेरी वेलवेटी एंड लिप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. भाई बहुत बार ऐसा होता है कि ना, हम समर्स में बुलेट लिपस्टिक प्रेफर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि वो लिपस्टिक्स ना मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा कुछ होता है. या दैट इज ट्रू, क्योंकि क्या होता है ना, समर में हमें स्वेटिंग वगैरह भी होती है तो थोड़ी लिपस्टिक ट्रांसफर होने की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है. ये वाली जो लिपस्टिक्स है, ये ट्रांसफर प्रूफ और स्मज प्रूफ नहीं है. हल्की हल्की हो जाती है, मतलब ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही स्मज हो जाती है, थोड़ी बहुत होती है. जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे टच करके दिखाऊं तो आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रांसफर ये हो जाती है. बट द थिंग इज कि लिप्स के ऊपर ना कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है. कई लोगों को ना मैट लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता, लिक्विड वाली जो होती है, बिकॉज उनके लिप्स को ड्राई कर देती है. तो आप ये ट्राई कर सकते हो, लिप्स में बहुत कंफर्टेबल रहेगी. स्टे आपको 2-3 आवर्स का बढ़िया वाला दे देती है, उसके बाद आप ऑब्वियसली रीअप्लाई कर सकते हो बिकॉज इट्स सुपर सुपर लाइट वेट एंड यार दिस इज द फर्स्ट शेड. सेकंड लिपस्टिक जो मेरे पास है ना, वो है ये. दिस इज फ्रॉम द नेचुरल वॉश. ये ना न्यूली लॉन्च लिपस्टिक्स है. द नेचुरल वॉश ने अभी अपने लिपस्टिक्स निकाली है. इस तरीके की आपको बॉक्स का सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में मिल जाती है. दीज आर दी मैट वेलवेट लॉन्ग स्टे लिक्विड लिपस्टिक. मेरा इसमें शेड है मैजिकल मॉव. TNW जो ब्रांड है ना, उसको मैं रोज वाटर यूज करती हूँ. अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से तो आपको पता होगा एंड आई टोटली लव इट. तो द नेचुरल वॉश ना एक्चुअली एक बहुत अच्छा ब्रांड है और उन्होंने क्योंकि अपनी लिक्विड लिपस्टिक्स निकाली थी, सो आई हैड टू ट्राई देम आउट. मुझे ना इसकी पैकेजिंग कुछ एक्सटेंड तक शुगर की लिक्विड लिपस्टिक जैसी लगी. ठीक है, दिस इज हाउ यू रिसीव द पैकेजिंग. इट सेज मैट वेलवेट लॉन्ग स्टे लिक्विड लिपस्टिक द नेचुरल वॉश. और शेड मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे मेरा शेड है 03 मैजिकल मॉव. इसका अब हम देख लेते हैं हैंड स्वॉच. दिस इज हाउ द शेड मैजिकल मॉव लुक्स लाइक. आप मतलब देखते ही आपको शेड पता लग गया होगा. दिस इज सो ब्यूटीफुल फॉर समर. मॉवी सॉर्ट ऑफ शेड है एंड अगेन आई विल से ये मीडियम स्किन तक को सूट कर जाएगा. डस्की को थोड़ा सा वॉश आउट कर सकता है. आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा वॉश आउट करेगा डस्की को. अगर आप लिटरली एक डार्क ब्राउन या डार्क मेरून कलर का लिप लाइनर यूज करके फिर उसको लगा रहे हो ना, तो आई थिंक ये सूट कर जाएगा. वॉर्म अंडरटोन है एंड द कलर इज सो ब्यूटीफुल, लाइक द परफेक्ट सॉफ्ट मॉवी समरी कलर. बहुत ही अमेजिंग है. द बेस्ट थिंग इज दीज लिपस्टिक्स आर सुपर सुपर कंफर्टेबल ऑन द लिप्स. एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ एप्लीकेशन है एंड लिप्स को ना ड्राई नहीं करती है. लिक्विड लिपस्टिक्स की बहुत सारे लोगों की ना यही कंप्लेन रहती है कि लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, बट ये वो वाली चीज नहीं करती है. तो आई टोटली लव दैट, लिप्स को ड्राई नहीं कर रही है, एप्लीकेशन बहुत स्मूथ है एंड फिनिश जो है ना, यहाँ पे आपको वो मैट फिनिश दे रही है. ठीक है, दिस इज स्मज प्रूफ, दिस इज ट्रांसफर प्रूफ. तो समर के लिए ये एकदम परफेक्ट रहने वाली है. नेक्स्ट शेड आई हैव हियर इज फ्रॉम माय
फेवरेट लिपस्टिक, दिस इज दी मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। यहाँ पे ना मामा अर्थ ने अभी ही थोड़ा टाइम पहले न्यू शेड्स लॉन्च करे हैं, 4 न्यू शेड्स लॉन्च करे हैं एंड उसमें से एक शेड है 10 पिंक लेमनेड। यू गाइज नो मैं ना बहुत ज्यादा पिंक लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ बट आई रियली लव पिंक शेड्स जो ना मेरी स्किन टोन के साथ अच्छे से जाते हैं। तो यहाँ पे जो पिंक लेमनेड शेड है दिस इज अमेजिंग, 2 ग्राम्स की आपको क्वांटिटी मिल जाती है एंड जिन लोगों ने ये लिपस्टिक्स यूज कर रखे ना दे ऑलरेडी नो इस लिपस्टिक की तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको हैंड्स वॉश दिखाती हूँ, इस तरीके की आपके रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आ जाती है। दिस इज हाउ द शेड पिंक लेमनेड लुक्स लाइक, अ परफेक्ट पिंक शेड फॉर दिस समर सीजन, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। द बेस्ट थिंग ना ये लिपस्टिक लिप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बटर की तरह ग्लाइड हो जाती है लेकिन फिनिश आपको एकदम मैट देती है। दीज लिपस्टिक्स आई विल से आर नॉट स्मच प्रूफ बट दे आर ट्रांसफर प्रूफ, एक बार जब ये अच्छे से ड्राई हो जाती है ना तो गलती से अगर आपका हैंड टच भी होता है ना तो ट्रांसफर नहीं होती, बट अगर हल्का सा आप रब करते हो ना तो स्मज हो जाती है। ठीक है, ये लिप्स का स्टे बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड द बेस्ट थिंग ना ये लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। तो जिनके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं ना उनके लिए परफेक्ट है क्योंकि उनके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई आउट नहीं होने वाले हैं। आपको एक मैट लिपस्टिक भी मिल जाएगी लेकिन जो लिपस्टिक है वो आपको अच्छी खासी हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करके देगी। नेक्स्ट अप आई हैव दिस वन, दिस इज द फेसेस कैनेडा ऑल टाइम प्रो बेले डी लक्स ज्यूल कट लिपस्टिक। मुझे इसकी आउटर पैकिंग बहुत अच्छी लगी एंड इट हैज 3.8 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी। फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक्स मैंने ना तो बहुत कम ट्राई करी थी बट मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज पढ़े थे। जब आप इसको ओपन करते हो ना दिस इज हाउ यू रिसीव इट, यहाँ पे इस तरीके के ना वेलवेट पाउच में आपको रिसीव होती है। आई मीन इट फील सो लग्जरी एंड वेन यू ओपन इट अप यहाँ पे आपको इस तरीके की लिपस्टिक मिल जाती है। जस्ट टेक अ लुक एट दिस, इट लुक्स सो लग्जूरियस एंड क्लासी एट द सेम टाइम, लाइक पैकिंग बहुत अच्छी है जैसा लिखा हुआ जूल कट वाली लिपस्टिक। दिस इज हाउ यू ओपन इट अप एंड यहाँ पे आपकी लिपस्टिक है। लिपस्टिक पे भी ना इस तरीके की जूल कट वाली फिनिश है तो आई टोटली लव द पैकेजिंग, लाइक पैकेजिंग में तो इसको 10 out of 10 देना चाहिए। इसमें जो मेरा शेड है ना दैट इज 02 जूलियट रोज एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। जिन लोगों को डार्क कलर के पिंक कलर लगाना बहुत अच्छा लगता है उनके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। यू गाइस कैन जस्ट टेक अ लुक। इसकी अगर मैं एप्लीकेशन और फिनिश की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ फिनिश तो आप ऑलरेडी देख सकते हो, इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल मैट फिनिश। ये सारी स्किन टोन्स को बहुत ही अच्छे से सूट करने वाला है। अगर आपका फेयर टू मीडियम स्किन टोन है तो आपके ऊपर एक डार्क पिंक कलर की तरह वर्क करेगा, रोजी पिंक, एंड अगर आपका डस्की है तो आपके लिए एक न्यूड शेड की तरह भी वर्क कर सकता है एंड आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है। एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ और क्रीमी है। अगेन ये वाली जो लिपस्टिक्स है ये स्मज प्रूफ नहीं है, अगर आप रब करते हो तो वो स्मज हो जाएगी बट दे आर ट्रांसफर प्रूफ। हल्का सा टच वगैरह भी होता तो लाइक लिटिल बिट अगर हल्का सा ट्रांसफर हो जाए तो हो जाए बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती है। आई लव इट, टोटली लव इट। पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्वालिटी लिपस्टिक की बहुत अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है एंड आई एम टोटली इन लव विद दिस कलर। सो आई विल डेफिनेटली से अगर आपको कुछ डार्क रोजी पिंक कलर का चाहिए ना तो यू हैव टू ट्राई दिस आउट। एंड लास्ट अप इज द शेड आई विल डेफिनेटली से एवरी गर्ल नीड टू हैव, ठीक है, दिस इज फ्रॉम लव अर्थ। दिस इज द लव अर्थ एस्प्रेसो मार्टिनी शेड है, लिक्विड मूज लिपस्टिक है। आई नो आई हैव शेयर्ड दिस लिपस्टिक टन्स ऑफ टाइम बट आई एम अगेन शेयरिंग इट इन दिस वीडियो बिकॉज दिस इज लिटरली द परफेक्ट कलर फॉर समर सीजन। मेरा इसमें शेड एस्प्रेसो मार्टिनी है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड लव अर्थ। बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको पैकेजिंग मिल जाती है इस तरीके की एंड इट्स अ परफेक्ट न्यूड ब्राउन कलर। लेट मी जस्ट शो यू इट्स वॉच, दिस इज हाउ द शेड एस्प्रेसो मार्टिनी लुक्स लाइक, वेरी वेरी ब्यूटिफुल न्यूड ब्राउन कलर। ये ना जब आप अपने लिप्स के ऊपर लगाते हैं ना यू जस्ट फील लाइक कि आप एक क्रीमी वेलवेटी मूजी सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक लगा रहे हो, बट जब आप इसको लगा लेते हो ना इसकी फिनिश एकदम आपको मैट मिलती है। इट हैज एन अमेजिंग स्टे, 6 to 7 आवर तक इजिली आपके लिप्स के ऊपर स्टे करती है। एट द सेम टाइम ना दिस इज स्मज प्रूफ, दिस इज ट्रांसफर प्रूफ, दिस इज किस प्रूफ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है। एट द सेम टाइम मुझे इसमें जो बेस्ट चीजें लगती है ना, इट हैज अ वेरी नाइस कोकोनट सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस जो थोड़ी देर के बाद, ऑल्दो वो फ्रेग्रेंस थोड़ी देर के बाद चली जाती है बट जब आप लगाते हो ना बहुत ही अच्छी सूदिंग फ्रेग्रेंस लगती है। आई विल हाईली रेकमेंड, इसमें ना शेड रेंज बहुत ही अच्छी है, लाइक एक मिमोसा स्ट्रिपिन मिमोसास करके शेड है, मतलब बहुत सारे ब्यूटीफुल शेड्स है। तो अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी लिपस्टिक लेना चाह रहे हो ना जो समर के लिए एकदम परफेक्ट हो, स्मज प्रूफ हो, ट्रांसफर प्रूफ हो, दिस इज अ मस्ट हैव लिपस्टिक, यू नीड टू हैव दिस। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी की सारी लिपस्टिक्स की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके चेक आउट कर सकते हो। एंड दैट इज इट, आई होप टुडेज वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।